दिवाकर फ्राम डीवी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम नाउ प्रैक्टिस न्यू एनी लीडा फाइलम जो एनिमल है यहाँ पर नरीज। तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यू होंगे। तो यहाँ पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो जो नरीज है उसे क्लेमबाम या सैंडबाम कहते हैं। स्पेशल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। सिमिलर सेगमेंट इन द एनिलीड इज कॉल्ड सोमाइट या मेटामर्स। यहाँ पर थर्ड लार्ज क्लास इज द ओलिगो, तो थर्ड लार्जेस्ट क्लास है जो ओलिगोकीटा है एंड पॉलीकीटा। और नंबर ऑफ सी टी आर प्रेजेंट, तो संख्या सी जी और सी टी कहाँ पर जाती है, ऑन द पेयर ऑफ लेटल अपेंडेज पैरापोडिया। जो लेटल अपेंडेज पैरापोडिया है वहाँ पर नंबर ऑफ सी टी पाई जाती है। नरीज इज ए कॉस्मोपोलिटियन मैराइन, नरीन इज ए कॉस्मोपोलिटियन मैराइन पोलिकीटस। ग्रो ऑफ नरीज इज, तो यहाँ पर यू शेप्ड है और अप टू 60 सेंटीमीटर डीप है यहाँ पर। क्लेमबाम यूज ऑल्सो एज फिश बेट। फीडिंग नरीज एट नाइट कार्निवोरस एंड नेचुरल। हेड ऑफ नरीज इज वेल डेवलप्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी, इट लार्ज रिंग लाइक सराउंडिंग वेंट्रल ट्रांसवर्सली सिल्ट लाइक माउथ। प्रोस्टोमियम प्रोस्टोमियम एंटीरियर प्रोजेक्शंस ऑफ पेरिस्टोम एंड इट इज नॉट ट्रू सेगमेंट। जो प्रोस्टोमियम है जो तुरुक सेगमेंट नहीं है बॉडी का। आई ऑफ नरीज आर प्रेजेंट ऑन टू पेयर्स ऑफ सिंपल पिगमेंटेड आई ऑन द डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर पिगमेंटेड आई पाई जाती है। सेंसरी ऑर्गन ऑफ नरीज आर, तो सेंसरी नर्वन है ऑर्गन है यहाँ पर। प्रोस्टोमियम टेंटाकल्स पाल्प एंड द सिरिरी। पैरापोडिया पैरापोडियम प्रेजेंट 80 से 200 बताए हैं। सिमिलर सेगमेंट ऑन द लेटल साइड। पैरापोडिया स्ट्रक्चरली बाइमराउस टू पार्ट्स डॉर्सल नोटोपोडियल एंड द बेंटल नोटोपोडियल। जो दो तरीके के हैं पैरापोडिया, एक डॉर्सल एक बेंटल। तो डिफरेंट बिटवीन नोटोपोडियम डॉर्सल सिरिरी न्यूरोपोडियम आर बेंटल सिरिरी आर यूज सिरिरी नॉक्चरल स्लाइटली लार्जर देन न्यूरोपोडियल वेंट्रल सिरिरी। तो जो यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है नोटोपोडियल एंड नोटोपोडियल आर डॉर्सल सिरिरी आर द न्यूरोपोडियल आर वेंट्रल सिरिरी। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है। नोटोपोडियल को डॉर्सल सिरिरी भी कहते हैं। यहाँ पर आर का मतलब दूसरा नाम नोटोपोडियल या डॉर्सल सिरिरी और न्यूरोपोडियल आर बेंटल सिरिरी। तो आर दोनों हैं, दोनों में अंतर क्या है। नोटोपोडियल थोड़े बड़े होते हैं देन द न्यूरोपोडियल इन बेंटल सिरिरी। पेजिडियम क्या है, तो रिप्रेजेंट बाय द लास्ट बॉडी सेगमेंट नाउन एज द टेल आर सेगमेंट आर सेगमेंट रिप्रेजेंट। तो पेजिडियम है यहाँ पर बॉडी जो एंड है एनल सेगमेंट है जो उसे पाइजीडियम कहते हैं। सेगमेंट टेल एस आर एंड सेगमेंट क्यूटिकल आप क्लेमबाम इज यहाँ थिन टप एंड द काइटिनाउस लेयर। बॉडी कैविटी सीलोम ऑफ नरीज इज, तो ट्रू यहाँ पर है बॉडी कैविटी एंड द साइज ऑफ सीलोम की है। सीलोमिज फिल्ड विद द कलरलेस सीलोमिक फ्लूड कंटेनिंग एमीबॉइड कॉर्पस या ल्यूकोसाइट्स एंड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन रिप्रोड्यूस सेल्स आर द प्रेजेंट इन इन वेरियस स्टेजेस। सीलोमिक फ्लूड एक्ट एज एन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन फॉर ट्रांसफरेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस।
एंड वाटर मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। पैटर्न ऑफ पैरापोडिया ड्यूरिंग द लोकोमोशन इन नरीज गिविन बाई ग्रे 1939 में। इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है? तो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है अल्टरनेटली बीट बैकवर्ड, रिकवरी स्ट्रोक होता है यहाँ पर अल्टरनेटली बीट फॉरवर्ड, जो हिटर नरीज की प्रक्रिया। फूड एंड फीडिंग ऑफ नरीज इज कर्निवोराउस एंड द रेप्टिवल फीडर प्रे अपॉन क्रस्टेशियंस वॉर्म्स लार्वी एक्सेट्रा। डाइजेशन इन नरीज एक्स्ट्रा सेलुलर, रेस्पायरेशन इन नरीज बाई होल बॉडी सर्फेस आर पैरापोडिया। नरीज ब्लड इज तो कंसिस्टेड ऑफ सिलियम फ्लूइड मीडियम कार्ड द प्लाज्मा कंटेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लिएट कलरलेस अमीबॉइड सेल आर द कार्पोक्लेसेस डिजॉल्विंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है घुला हुआ नरीज के उसमें प्लाज्मा में। ब्लड वेसल्स इन नरीज आर तो 3 टाइप्स होती हैं, जो कि डार्सल, वेंट्रल एंड पेरीन्यूरल। डार्सल ब्लड वेसल क्या करती हैं? डार्सल ब्लड वेसल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी वॉल एंड पोडिया, नेफिडिया एंड एलिमेंट्री कैनाल। और वेंट्रल ब्लड वेसल क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड एक्सेप्ट एट द एंटीरियर एंड एंड वेयर इट कॉल द इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम इसोफेगल वॉल। पेरीन्यूरल वेसल्स इट इज द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेंट्रल बॉडी वॉल एंड द कन्वे इट वेंट्रल वेसल्स। एस्केटरी ऑर्गन इन नरीज और नरीज में एस्केटरी ऑर्गन नेफिडिया है, इसका नाइट्रोजन मटेरियल यहाँ पर अमोनिया होता है। इसकी एस्टल फर्टिलाइजेशन एक्टर है लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा है। नाइट्रोजन ऑफ बेस्ट या मटेरियल, नाइट्रोजन या बेस्ट मटेरियल एस्केटरी प्रोडक्ट ऑफ नरीज इज अमोनिया। नॉट ऑल एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर इट विल एस्केटरी मटेरियल इट अमोनिया। सेंस ऑर्गन यहाँ पर प्रोटोमियम, टेंटाकल्स, प्रोटोमियल पाप पल्प और जिस सर्व प्रोटीम पल्प सर्वस आइडेंटिकल लिप्स टफ स्मेल एंड टेस्ट। नॉक्चुरल ऑर्गन्स तो नॉक्चुरल ऑर्गन्स न्यूरल ऑर्गन्स। न्यूकल ऑर्गन्स आर सर्व स्मेल एंड द कैमो रिसेप्टर। न्यूकल ऑर्गन है जो कि सर्वस स्मेल एंड कैमो रिसेप्टर। पेरिस्टोमियल सिरेमी पेरिस्टोमियल सिरेमी सर्व एज द टैक्टाइल ऑर्गन्स एंड आईज। इपीटोक एंड एटोक ऑफ हिटेनरीज आर इपीटोक होता है यहाँ पर सेक्सुअली रीजन इन द इपीटोक पोटेरियर, पोटेरियर होता है और सेगमेंटेड फिलेट विद द एक्सिड मटेरियल। आर्नाटोमिक डिफरेंस होता है जो कि गेमिट होते हैं इपीटोक रीजन में पोटेरियर एंड पर, और अटोक रीजन और सेक्सुअल रीजन हो या फिर अटोक इंटीरियर इंटीरियर पार्ट पाया जाता है। डू नॉट टेक पार्ट इन द गेमिट फॉर्मेशन। हिटोनरीज अटोक एंड अटोक रीजन इन द अडल्ट नरीज इज कॉल्ड द हिटोनरीज। हिटोनरीज आइडेंटिफाई द मेलिंग्रीन ट्रोकोफोर लार्वा। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेवरल फाइला आर तो यहाँ पर एनिलिडा बता रहा है। ट्रोकोफोर लार्वा कितने कितने पाया जाता है, कौन कौन से फाइला में? एनिलिडा में पाया जाता है, मोलस्का में एंड ब्रायोजियो में। और यहाँ पर इनकी खोज की थी किसने कहा था? ये फर्स्ट चेक ने कहा था और 1878 में। और नरी नियंथियस आर द नरीज ए क्लंब ऑफ फाइलम एनिलिडा एनिलस। एनिलस मीन्स रिंग है, एनिलस मीन लिटिल रिंग्स। समटाइम कॉल्ड द एनिलिडा कंप्राइज 3 मेन क्लासेस सेगमेंटेड। तो जो फैक्ट क्वेश्चन है वही पढ़ेंगे। नियंथिस है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। फाइलम एनिलिडा है, क्लास पॉलीकीटा है और हिरुडेरिया का ओलीकीटा होता है। सब क्लास एरिएटा फैमिली नेरिडी जीनस नियंथस और नरीज और स्पीसीज बैरेंस।
मैरिज इज कॉस्मोपोलिटियन मैराइन पॉलीकेट ऑफली फाउंड ओनली सेंट सोरत बिटवीन द टाइडमार्स एंड इट रिमेन ओवर लोकेट बाई द काजल ऑब्जर्वेशन. कंप्लीट डायग्राम है नरीज का. ये माउथ है यहाँ पर पेरिटोमियम पीछे वाला माउथ, तो जो आगे वाला फर्स्ट सेगमेंट है उसे पेरिटोमियम कहते हैं. प्रोस्टोमियम जो फर्स्ट वाला सेगमेंट है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं इसे. और प्रोस्टोमियम पल्प और ये प्रोस्टोमियम फर्स्ट पार्ट है और जो फर्स्ट सेगमेंट है और जो सेकेंड सेगमेंट है जो पोस्टीरियर है जो पेरिटोमियम होता है. पेरिटोमियम सीरीडी हैं दोनों. जे आईज हैं फोर पेयर और टू पेयर जो कि फोर आई थे. और ये टेंटाकल्स हैं, दो टेंटाकल पाए जाते हैं. ये पेरिटोमियम सीरीडी हैं, तीन इस पार तीन वो चार उस पार, वो चार चार हैं तो आठ सीरीडी हैं यहाँ पर पेरिटोमियम सीरीडी. ये छोटे से ने पल्प हैं. ये कंप्लीट नरीज है. ये पैरापोडिया है, ये पैरापोडिया है. ये सीटी है, ये पैरापोडिया जिस पे लगी है उसे सीटी कहते हैं. ये छोटे से ने इस तरीके से जो टेक्सचर है इस तरह से जो लिख रहे हुए इन्हें पैरापोडिया कहते हैं. और सीटी जो है अंदर के टेक्सचर, ये सीटी वो पैरापोडिया कहते हैं. सीटी जो है ये टेक्सचर है इस तरह से, ये इसे सीटी कहते हैं. और जो अंदर का टेक्सचर है ये इसे पैरापोडिया कहते हैं. ये दो सीरीडी हैं जो एनल सीरीडी बोली जाती हैं और ये यहाँ पर एनस है. ये बॉडी सेगमेंट्स हैं, ये सब बारी सेगमेंट हैं जिसे सोगमाइट भी कहते हैं, सोमाइट्स. ये कंप्लीट नरीज का डायग्राम है. डायग्राम से ये पता लग जाए कि एनिमल में क्या क्या पाया जाता है क्या नहीं. यहाँ पर हिटरोनरीज है ये, जिसमें टेंटाकल आईज पल्प प्रोटोमियम तो सीरीडी सभी चीज़ पाई जाती हैं. मगर यहाँ पर नॉन सेक्सुअल लीजन है ये इस वाला, ये आगे का ये पोस्टीरियर नॉन सेक्सुअल और ये सेक्सुअल लीजन है जो घने पैरापोडिया पाए जाते हैं. और पीछे से पतला हुआ भी ये सेक्सुअल रीजन है या एपिओटोक रीजन, ये अटोक रीजन है ये वाला, इसे असेक्सुअल रीजन भी कहते हैं. यहाँ पर पैरापोडिया हैं जो कि स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन डज नॉट द सीलोमिक डक्ट परफॉर्म इन द नरीज. सीलोमिक डक्ट का कौन सा है जो फंक्शन है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी न्यूट्रिटिव एंड लोकोमोटिव. व्हाट इज द फंक्शन डज सीलोमिक डक्ट परफॉर्म इन नरीज. सोमिटिक डक्ट का जो काम है सेलोमिक डक्ट का रिप्रोडक्टिव एंड एस्केटरी. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेलोमिक डक्ट इन द नरीज. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेलोमिक डक्ट इन नरीज. तो जो ओरिजिन होती है सेलोमिक डक्ट की तो किस जर्म लेयर से होती है पूछ रहा है, तो एक्टोडर्मल होती है. प्रोटोमियम इन नरीज इज कम्पोज ऑफ पेरिटोमियम वन सेगमेंट का होता है जो कि फर्स्ट सेगमेंट होता है. और जो प्रोटोमियम होता है वो सेकेंड सेगमेंट होता है मगर बटोरू सेगमेंट नहीं होता है. एसकेटी आर्गन ऑफ नरीज तो नेफ्रिडिया है जो कि स्पेशली एनिलिडी में ही पाया जाता है. सेक्सुअली मैच्योर वाम इज कॉल्ड. तो जो नरीज में यहाँ पर बता रहा है जो एस्केरेटरी आर्गन है तो वो नेफ्रिडिया है. और सेक्सुअली मैच्योर वाम इज कॉल्ड, जो सेक्सुअली मैच्योर वाम है उसे नरीज कहते हैं. हेटरोनरीज जो कि अटोक और एपिटोक रीजन में बटा हुआ होता है तो उसे हेटरोनरीज को ही सेक्सुअली मैच्योर एनिमल कहता है या इंडिविजुअल. फाइव का आंसर भी सही होगा.
बाम हैविंग अपीटोक एंड इटोक रीजन इज कॉल्ड सेक्सुअली मैच्योर, वो यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर हनेरीज। वाम हैविंग इपीटोक एंड अटोक रीजन इज कॉल्ड हेटोनेरीज। अगर हेटोनेरीज ऑप्शन नहीं होता तो सेक्सुअली मैच्योर नेरीज होता। फर्टिलिज्म इज सेक्रेटेड बाई, तो फर्टिलिज्म यहाँ पर मेल हेटोनेरीज के द्वारा फर्टिलियम है, तो फर्टिलियम यहाँ पर फीमेल नेटरीज हेटोनेरीज के द्वारा सिक्रेट होती है। फर्टिलियम एक फीमेल टेक्चर है। नेरीज कॉमनली कॉल्ड क्लेम बाम या सेंड बाम। क्लेम बाम, सेंड बाम, रिंग बाम, ऑल ऑफ देम, ये सभी नाम है इसके। लोगोमेट्री आ गई नेरीज, तो नेरीज में यहाँ पर पैरापोडिया, पैरापोडियन सीटी, ऑल ऑफ अबव, ये सारे नाइन का सी सही होगा यहाँ पर, पैरापोडिया होगा लोकोमोटरी आर्गन। हु मेड द स्टडी अबाउट द लोकोमोशन ऑफ नेरीज, तो कौन सा है यहाँ पर जिन्हें लोकोमोशन नेरीज की एक्टिविटी ऑफ पैरापोडिया की लोकोमोशन पैटर्न ग्रे ने खोजा था 1878 में, जो पहले यहाँ पर जो वन लाइन क्वेश्चन थे उसमें दिया था। तो इनका आंसर डी सही होगा। रेस्पायरेशन इन नरीज परफॉर्म्ड बाय बॉडी सरफेस, क्योंकि इसमें नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन एंड होल बॉडी। द मेन एस्केटी प्रोडक्ट इन नरीज, तो जो नरीज है जो कि यूरेमिक यूरिया होता है, जो नरीज जब वाटर में रहता है तो यहाँ पर यूरिक अमोनिया होगा। द केमो रिसेप्टर ऑफ आर्गन इन नरीज, जो केमो रिसेप्टर आर्गन है नरीज का उसे कहते हैं नोकल आर्गन, और स्मेल रिसेप्टर भी है केमो नोकल आर्गन। द नेम ऑफ लार्वा लरीज, नरीज का लार्वा है टोकोफो लार्वा, जो कि एनलीडा मोलस्का और ब्रायोजोम में पाया जाता है स्पेशली फाइलम। नरीज इज, तो कर्निबोराउस है जो नेचुरल है, कॉस्मोपोलिटियन है। पेरीपेटस इज ए कलेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटीज, तो नंबर्स बंडल एंड अकर्स, फ्यूज्ड एंड बंडल दोनों होंगे, तो यहाँ पर सी सही होगा। फ्यूज्ड एंड अकर्स बंडल आंसर सी सही होगा। पेरीपेटस कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हो चुका है। एनिमल एनिमल बीच मेंटेन द देयर बॉडी फ्लूड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्राम द डेट देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कौन सा है जो एथवाम एंड लीच इन्वायरमेंट के हिसाब में अपना बॉडी जो है बॉडी फ्लूड कंसंट्रेशन डिफरेंट कर देता है। बीच वन ऑफ फॉलोइंग एनिलीड इज ए पैरासाइटिक ऑन द स्नेल, तो ग्लोसिना ग्लासिफोनिया, जो कि एनिलीडा है एक पैरासाइट है, सिंगल एनिलीडा पैरासाइट है जो कि ग्लोसिना फोनिया स्नेल पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन द फेरेटिमा एंड द पेरीप्लेटा, यानी फेरेटिमा और पेरीप्लेटा आर्थ्रोपोडा है, तो इनमें सेम क्या है बता रहे हैं। तो दे हैव बेंटल नर्व कॉर्ड या दे लोकेटेड नर्व कॉर्ड। विच आर द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन ट्रंक नरीज, वो यहाँ पर भी सही होगा। ट्रंक में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इकाइनोरिस इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी, तो नेचर का सीटी अकल्स बंडर बंडल्स 2013 पीजीटी में आया था। पॉलीकीट बिलोंग टू क्लास एनिलिड एंड दे आर नाउन अ सेगमेंटेड बाम। ई सेगमेंट बेयर यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है। अफ्रोडाइट एक कमली काइड से माउस है अफ्रोडाइट, तो एक एनिलिड है जो कि सेड आउट कहते हैं से माउस। अनक्यू टेक्चर ऑफ एनिलिड आइज, तो इसका अनक्यू टेक्चर है यहाँ पर भी होगा नेफ्रिडिया
FKTR में, जो कि बोनेलिया पिगमेंट इज, तो जो बोनेलिया का पिगमेंट है कलर ग्रीन कलर, बोलेनिल पिगमेंट इज ग्रीन कलर। इन बीच आर द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइट ऑन द फीमेल, तो बोनेलिया में होता है। ब्लड कलरलेस इन, तो ब्लड कलरलेस कितने नहीं पाया जाता, नियंथिस इकाइनोरस में। ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज द कलरलेस। इंसेक्ट नाउन एज लिम्फोइड, लिम्फोइड। ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कलरलेस। द ब्लड ऑफ द इंसेक्ट इज नाउन एज हीमोलिम्फ, दे डू नॉट ब्लड हीमोग्लोबिन लाइक वर्टिब्रेट, इसलिए यहाँ पर इनका कलरलेस रहता है। आर्थ्रोपोडा है इकाइनोरिस। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजन बेस्ट डिस्क्रिएट बाय नेफ्रिडिया अमोनिया, जो कि नेरीज है। इन नेरीज द ब्लड इज पंप्ड बाय डॉर्सल ब्लड वेसल्स, जो कि कलेक्ट कर वो पंप्ड करता है फॉरवर्ड, और वेंट्रल है जो कि कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को। हेटेरोनरीज इज, तो हेटेरोनरीज क्या है, यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर फेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेटेरोनरीज फेज ऑफ, तो यहाँ पर इसका होगा एपिटोक। एपिटोक इन नरीज एसोसिएट विथ, तो वहाँ पर होगा रिप्रोडक्शन। ट्रोकोपोल लार्वा ऑफ नियंथिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई द पोजेशन, तो यहाँ पर सी सही होगा, बोथ एपिकल रो ऑफ सीलिया एंड हॉरिजेंटल रो, एपिकल रो और हॉरिजेंटल रो दोनों पाए जाते हैं इसमें। ट्रोकोपोल लार्वा ऑफ नियंथिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो दो बार दोहरा चुका है, बोथ एपिकल एंड हॉरिजेंटल रोस ऑफ सीलिया। हाउ मैनी आई आर प्रेजेंट इन क्लेम बाम, तो यहाँ पर चार आई थी उसमें पाई जाती थी, तो टू पॉइंट हो गया। द नूकल आर्गन फाउंड इन द नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो नूकल आर्गन कैमन रिसेप्टर हैं जो कि सेंसरी आर्गन है, तो ऑफिलेक्ट्री आर्गन को भी कैमन रिसेप्टर कहते हैं। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सिक्योरिटी सिस्टम अब्सेंट इन द ट्रंक, दोबारा यहाँ पर हो चुका है इकाइरी से। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सिक्योरिटी सिस्टम अब्सेंट इन ट्रंक, तो आंसर डी होगा यहाँ पर नरीज यहाँ पर था, और यहाँ पर जो है इकाइनिस था। बीच ऑफ द एनिमल फॉलोइंग एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन द ट्रंक, तो इकाइनिरस होगा यहाँ पर, तो आंसर बी सही होगा, वो डी होगा नरीज। नरीज के ट्रंक में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, एबसेंट होता है। वेटरनरी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्राम नरीज रिक्वायर एक्वायर लार्ज पोरापोडिया इन पोस्टीरियर हाफ बॉडी। पैरापोडिया आर द करेक्टर रिलेटेड टू लोकोमोशन एंड रेस्पायरेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नो नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।